आज हम बात करते हैं फ्यूमिगेशन की, कमोडिटी फ्यूमिगेशन। ये कमोडिटी है, एग्री कमोडिटी है और इसको फ्यूमिगेशन करना जरूरी है। अभी स्टैक रेडी है, इसमें अभी हम तारपोलिन डालेंगे और उसको कवर करके फिर उसको गैस डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ गैस कैसे डाला जाता है और प्रोसेस कैसा रहता है। ये जो स्टैक है और ये जो दीवार है, इसके बीच में मिनिमम 1 मीटर का गैप तो भी होना चाहिए ताकि यहाँ से बराबर फ्रेम पैक और तारपोलिन बराबर सील हो सके। इसलिए इतना एलिवेस रहना बहुत जरूरी है। ये फ्यूमिगेशन कवर है, तो तारपोलिन फ्यूमिगेशन कवर है। इसका जो टाइम है 200 TSM का होता है और ये फ्यूमिगेशन स्टैक को कवर करने के लिए होता है। और ये सैंड स्नेक है, ये सैंड स्नेक इसमें सैंड रहता है जिसको हम सीलिंग करते हैं। स्टैक के चारों बाजू से 2 लेयर लगाते हैं, उससे कंप्लीट सील हो जाता है। ये स्टैक फ्यूमिगेशन का स्टैक रेडी है और यहाँ पे डेंजर स्पीकर लगाना जरूरी है, तो अभी लगा दिया है। सैंड बैग के 2 लेयर पे 2 लेयर का सैंड बैग लगाया है चारों तरफ से और पूरा स्टैक सील हो गया है।